हाय एवरीवन, वेलकम टू SSB इनटू सिलेक्शन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निक्स एंड मेथड्स फॉर वर्ड्स एसोसिएशन टेस्ट, जिसको मैं आपको पता है कि आपको वर्ड दिखाए जाते हैं और उसमें आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। इसमें मैं बहुत ही ईजी टेक्निक्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी वर्ड के ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हैं, जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसके ऊपर। हैवी वेट और लाइट वेट दोनों तरह की मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकन, पोस्ट डेली अपडेट्स एंड स्टे कनेक्टेड। फर्स्टली आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें, जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो चीज़ें देख लीजिए। जो इंटर एक्टिव जो पर्सन होते हैं, जो एक दूसरे से को रिलेटेड होते हैं, उन पर्सन जो आपस में इन्हीं के ऊपर ही बनेगी। जैसे लीडर फॉलोअर्स को करेगा, ऑफिसर सोल्जर से रिलेटेड होता है, डॉक्टर पेशेंट से होता है, टीचर स्टूडेंट से होता है, सरपंच विलेजर से, पेरेंट्स या मदर फादर हमेशा चिल्ड्रन से होते हैं, कोच या टीम। तो ये चीज़ आप एक बार थोड़ा रिमाइंड कर लीजिए, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हो सके तो आप ये पहले जो मैंने एक वीडियो इससे पहले डाली है कि SSB टिप, इसमें आपको डूज एंड डोंट्स जो है सभी बताए हैं, इसको ऊपर आप एक बार उसको एक बार देख लीजिए, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो, कैसे आपने क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। अभी चलते आगे, आपको मैं अभी ये टेक्निक्स एंड मेथड्स बता रहा हूँ। सबसे पहला मेथड है जिसको बोलते हैं TPSN मेथड, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। थर्ड पर्सन सिंगल नंबर क्या होता है कि इसमें आपने एक पर्सन चीज़ लेनी, कोई भी एक पर्सन लेना, जिसमें मैंने आपको पहले दिखाया सरपंच दिखाया, साइंटिस्ट दिखाया, डॉक्टर दिखाया, टीचर दिखाया, मदर दिखाई, फादर दिखाया, पेरेंट्स दिखाया, तो वो थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर पर्सन होंगे, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो ओनली जो पॉजिटिव वर्ब्स हैं, जो वर्ब होंगी उनके ऊपर ही ये लागू होगा। जैसे कोऑपरेट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, सेक्रीफाई हो गया, जो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो मतलब जो वर्ब्स हैं उनके ऊपर ही, ठीक है, वो बनेगा। जो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले TPSN जिसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और फिर उसके बाद में आपका ओरिजिनल वर्ड, और उसके बाद में अदर वर्ड्स। ओके, लेट्स गिव टेक ए सम एग्जांपल। एग्जांपल में सबसे पहले मैं एक ले लेता हूँ, जैसे कोऑपरेट के ऊपर बनाना है। तो कोऑपरेट के ऊपर आप कैसे बना सकते हो, लीडर कोऑपरेट्स फॉलोअर टू रीच द टारगेट। ओके, याद रखना आपका जो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, तो ठीक है। लीडर कोऑपरेट्स फॉलोअर्स टू रीच द टारगेट, और ले लेते हैं ऑफिसर कोऑपरेट ए सोल्जर टू विन द बैटल। ओके, ऐसे ही आप एक दूसरे कोच कोऑपरेट विद टीम टू विन द मैच। तो ये चीज़ें हमेशा एग्जांपल है। तो इसमें आपका ये जो लीडर हुआ, ऑफिसर हुआ, ये कोच हुआ, ये हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो ये हुआ जो आपका लीडर ऑफिसर कोच है, वो क्या हुआ आपका TPSN थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, और इसके बाद में ये आपका जो होगा आपका ओरिजिनल वर्ड होगा, ठीक है। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। नर्स कोऑपरेट्स विद डॉक्टर टू मेक ऑपरेशन सक्सेसफुल। इसके बाद में एक नई और वर्ब ले लेते हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में से लीडर एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ओके, उसके बाद में ऑफिसर एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस इन टू विन द बैट, ठीक है। इसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए डॉक्टर एक्सेप्ट ऑल द पेशेंट टू क्योर देम। तो इसमें सिर्फ जो आपने जो मैंने बताया, इसके थ्रू ही आपने जो टिप जो थर्ड पर्सन बताया, मैंने आपको जो लिस्ट दिखाई है इंटरपर्सनल की, उसके अनुसार ही आपने वर्ब को यूज करके उसमें आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सेक्रीफाइस ले लेते हैं, ठीक है। फादर मदर या फादर या मदर सेक्रीफाइस हिज या हर डिजायर फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, करते हैं हमेशा, ठीक है। और द डॉक्टर सेक्रीफाइस पर्सनल टाइम टू क्योर चिल्ड्रन। पर्सनल टाइम भी कभी भी कॉल करो, रात के 12 बजे डॉक्टर आता है। तो ये ऐसे एग्जाम्पल है। पहला आपको मैंने फार्मूला बता दिया जिसमें आपने ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं दूसरी टेक्निक, जिसमें आपका रोल प्ले मॉडल होगा। इसमें आपने फार्मूला क्या है इसका, पहले ओरिजिनल वर्ड आ जाएगा, ठीक है, फिर रोल वर्ब आ जाएगी, फिर अदर वर्ड आ जाएगी। अभी रोल वर्ब क्या होती हैं, जैसे शोज, रिफ्लेक्ट, क्रिएट्स, सिम्बोलाइज, प्रोजेक्ट्स, लीड्स टू, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, रोल वर्ब्स होगी। ओके, पहले ओरिजिनल वर्ड जो आपको वर्ब दिया है, उसके बाद में रोल वर्ब, और उसके बाद में अदर वर्ड्स। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले कोऑपरेट, कोऑपरेट रिफ्लेक्ट सोशल एडजस्टमेंट, राइट। तो ये क्या हो गया आपका मेन वर्ड आ गया, ये आपकी रोल वर्ब आ गई आपकी, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स एंड सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है ना जी, बिल्कुल। ऐसी और ले लेते हैं एग्जांपल, कोऑपरेशन सिंबलाइज टीम स्पिरिट। ओके, कोऑपरेशन लीड्स टू यूनिटी। चलो और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं नई वर्ब के साथ, एक्सेप्टेंस शोज विलिंगनेस। ओके, एक्सेप्टेंस शो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस रिफ्लेक्ट इनिशिएटिव, ठीक है, सेक्रीफाइस रिफ्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ओके, एंड सेक्रीफाइस शोज करेज। तो ये हमारे पास आपको मैंने एक टेक्निक बता दी। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले
आपका ओरिजिनल वर्ड, उसके बाद में रोल प्ले वर्ब और आपके अदर वर्ड्स। ओके, अब नया एक, इसके बाद में बात करते हैं नई टेक्निक पर, एडजेक्टिव फॉर्मूला। इसमें आपने क्या, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जो पहले बताया था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, उसमें इज लगाना है और एडजेक्टिव यूज करना है और अदर वर्ड यूज करना है। ठीक है, इसमें जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका फॉर्मूला क्या हुआ, ए टीचर, टीचर क्या हुआ आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इज लगा दिया एडजेक्टिव, जैसे कोऑपरेटिव, ए टीचर इज कोऑपरेटिव विद स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर नॉलेज। ओके, ए फादर इज एक्सेप्ट टू गिव बेटर एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद में ए सरपंच इज रिस्पॉन्सिबल टू इम्प्रूव इन विलेज। ठीक है, तो ये हमारे आपको मैंने तीनों टेक्निक बताई, जिसमें आपको तीन टेक्निक बताई, एक आपको टीपीएसएन वाली टेक्निक बताई, आपको रोल प्ले मॉडल बताया, और उसमें एक एडजेक्टिव फार्मूला बताया आपने। ये तीनों जो फॉर्मूले हैं वो आप इसमें पॉजिटिव जितने भी सेंटेंस हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं। इन द लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो होगी हाउ टू राइट सेंटेंसेज ऑन नेगेटिव वर्ड्स, जो आपको कल ही इसी टाइम आपको मिल जाएगी। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन आस्क एनी कॉमेंट्स एंड एनी डाउट। ठीक है, एनी डाउट एंड क्वेश्चन इन कॉमेंट्स बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।